गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज मैं सब्जेक्ट एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग एंड डिज़ाइन ऑफ इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन के बारे में बताना चाह रहा हूँ। इसमें मैं चैप्टर सबस्टेशन, जो चैप्टर नंबर 7 है, उसका सब कंटेंट सबस्टेशन, सब कंटेंट्स में इंडोर आउटडोर सबस्टेशन, तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि इंडोर और आउटडोर सबस्टेशन में क्या अंतर है। जनरली क्या होता है कि रेजिडेंशियल एरियाज़ के अंदर आपने देखा होगा कि पोल माउंटेड सबस्टेशन लगे हुए होते हैं, और ये हम जो हैं इनको बोलते हैं आउटडोर डिस्ट्रीब्यूशन टाइप ऑफ ट्रांसफार्मर, आउटडोर टाइप सबस्टेशन टाइप ऑफ ट्रांसफार्मर। इंडोर सबस्टेशन के अंदर जो है, जैसे इंडस्ट्रीज़ वगैरह है, तो वो इन कैंपस के अंदर जो ट्रांसफार्मर लगाते हैं, तो उसमें क्या है, जनरली क्या है कि फाउंडेशन बेस्ड भी होते हैं, पोल माउंटेड भी होते हैं। तो हम यहाँ पर जो है पोल माउंटेड सबस्टेशन के बारे में बताना चाह रहे हैं। तो ये चित्र जो हम आपको दर्शा रहे हैं, फिर बिल्कुल स्पष्ट नज़र आ रहा है कि इस चित्र के अंदर देखिए कि दो पोल लगे हुए हैं, एक पोल ये रहा और एक पोल ये वाला। दो पोल हैं जो कि 9 मीटर्स लॉन्ग होते हैं, ये PCC पोल्स भी हो सकते हैं, प्री सीमेंट कंक्रीट पोल। इसमें देखिए कि ये ट्रांसफार्मर लगाया है, इस ट्रांसफार्मर को हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन टाइप ट्रांसफार्मर। ये आपका 16 KVA का भी हो सकता है, 25 KVA का भी हो सकता है, 63 KVA का भी हो सकता है, 100 KVA का भी हो सकता है, लाइक दैट। तो एज़ पर रिक्वायरमेंट ऑफ लोड ट्रांसफार्मर का हम जो है सलेक्शन करते हैं रेटिंग्स का। तो यहाँ पर अब आप देखिए कि ये जो 11 KV लाइन आ रही है, जिसे हम RYB शो बता रहे हैं, तीन तार आ रहे हैं। ये वायर्स जो हैं, ये आपके जैसे सब स्टेशन आपका है 33/11 KV सब स्टेशन, तो वहाँ से ये 11 KV की जो लाइन आ रही है, तो 11 KV लाइन बोल रहे हैं, जिसमें तीन वायर्स आपके आ रहे हैं। ये जो आपके ये हमने देख रहे हैं गोल, ये जो साइप के शेप वाले नज़र आ रहे हैं, ये हम बोलते हैं 11 KV डिस्क इंसुलेटर विद हार्डवेयर। तो डिस्क इंसुलेटर के थ्रू हमारे ये जो है ये वायर इसके कंडक्टर जो आते हैं। अब ये ऊपर जो देखो हॉरिजॉन्टल ये लाइन ये दे रखी है, ये चैनल बोलते हैं, MS चैनल में ये फिक्स होते हैं। वहाँ से ये वायर जो है ये नीचे जो ये सारा जो आपको देखिए इधर राइट साइड में लिखा हुआ है TPMO। TPMO का मतलब होता है ट्रिपल पोर मैकेनिकली ऑपरेटेड, ये बिल्कुल स्पष्ट इसके अंदर बता रखा है। तो TPMO के अंदर ये तीनों वायर्स जो आते हुए हैं, ये जो है हॉर्न गॉफ फ्यूज बोलते हैं, ये देखिए गोल गोल ये जो है ये हॉर्न गॉफ फ्यूज है, 1, 2 और 3। उसके बाद में जो है ये सीधे यहाँ फ्यूज सेट के थ्रो होते हुए ट्रांसफार्मर के पास आते हैं। तो ये जो ट्रांसफार्मर की ये 11 KV बुशिंग बोलते हैं, 11 KV बुशिंग HT साइड जिसे बोलते हैं, हाई टेंशन साइड में। अब ये ट्रांसफार्मर आपका आएगा इसके बाद में LT साइड में, सेकेंडरी साइड में चार तार निकलेंगे, चार तार में RYB और N, ये हम जो बोलते हैं LT बुशिंग, 1, 2, 3 और 4, इसके बोलते हैं LT बुशिंग्स। ये जो वायर्स जो आए हैं ये थ्रो केबल्स, PVC केबल्स 25 mm स्क्वायर की जो साइज होती है, वो केबल्स के जरिए ये आकर ये आपका ये बॉक्स जो है ये देखिए इसके अंदर जो चार वायर्स जो हैं जो जा रहे हैं, एक न्यूट्रल है, एक आर है, एक वाई है, एक बी है। इस बॉक्स को हम जो हैं MCCB बोलते हैं। MCCB का फुल फॉर्म होता है मोल्डेड केस सर्किट ब्रेकर 3 फेज 200 एम्पियर, हमने शो कर रखा है। उसके बाद ये देखिए कि ये वायर्स जो हैं ये जाके ये ऊपर ओवरहेड लाइन जैसे सपोज पोल लगा रखा है, उस पोल के ऊपर ये लाइन जो है आपके ये वायर्स जो हैं वहाँ चले जाएंगे, और इसको यहाँ से उस फीडर को हम जो है यहाँ कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे एक फ्यूज़ नहीं आ रहा है, तो यहाँ से हो सकता है कि एक फ्यूज़ यहाँ से डिसकनेक्ट हो गया होगा, तो इसको वापस हम इसको रिपेयर ये जोड़ सकते हैं, दूसरा भी देख सकते हैं, तीसरा भी देख सकते, लाइक दैट इस तरह से। अब ये पोल जो है देखो ये फाउंडेशन बता रखी है हमने, ये फाउंडेशन जो है ये फाउंडेशन के अंदर दोनों पोल को हमने इसको कंक्रीट से कंक्रीटिंग फाउंडेशन बना रखा है, जिसका रेशो है 1:4:8 रेशो, है ना।
ये और ये साइड में जो है आपकी एक अर्थिंग कर रखी है, जिसे हम बोलते हैं प्लेट अर्थिंग या पाइप अर्थिंग। तो ये पाइप अर्थिंग है, इस पाइप अर्थिंग के जरिए हम इसको ये कर सकते हैं। और ये आपका पीसीसी पोल भी कहला सकता है, हम दूसरा साइड आरएस जॉस्ट पोल भी बोल सकते हैं, जॉस्ट पोल भी हो सकता है। ये लोहे का बना होता है। और ये जो पाइप्स हैं, ये पाइप्स जो है इसके जरिए जीआई पाइप बता रखा है। और इसके साथ साथ में देखिए कि दो साइड में जो वायर्स जो बता रखा है, ये दीज आर दी स्टे सेट, दोनों पोल को सपोर्ट करने के लिए हमने स्टे सेट का यूज़ किया है, ताकि ये पोल जो है आपका ये बंधा हुआ रहे। और ऊपर आप देखिए कि यहाँ पर जो लाइटनिंग अरेस्टर भी शो कर रखा है, और इधर जो है इस वायर को, इस लाइटनिंग अरेस्टर को अर्थ के थ्रू कॉपर प्लेट के जरिए, मतलब अर्थ के अंदर वो टायर जा रहा है। तो ये हमने आपको ये पूरा कंप्लीट पीसीसी सब स्टेशन, पोल माउंटेड सब स्टेशन के बारे में बताया। थैंक यू, धन्यवाद। ओके।